ये गोदरेज द्वारा लॉन्च नई वॉशिंग मशीन है, जिसका कि मॉडल नंबर WT-ON-650PF है। 6.5 किलो की मशीन है और ग्लिड्स के नाम से ये मार्केट में आ रही है। इसका डेमो करने के लिए, जो नॉर्मल वॉशिंग मशीन्स में आप डेमो के प्रोसीजर्स करते हैं, इंस्टॉलेशन, रखने की जगह, ड्रेन पाइप का नीचे रहना, पास में पावर का होना, पानी की अवेलेबिलिटी, वो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। जब आपको मशीन को स्टार्ट करना है तो सिंपली आप पावर ऑन बटन से ऑन करेंगे। मशीन डिफॉल्ट मोड में फजी लॉजिक में रहती है, आप स्टार्ट कर देंगे, मशीन कपड़ों को सेंस करेगी, कपड़ों को सेंस करने के बाद पानी का लेवल डिसाइड करेगी, वॉशिंग करेगी, पानी लेके रिंसिंग करेगी, ड्राई करके मशीन ऑफ हो जाएगी। अब फजी लॉजिक के अलावा अगर आपको दूसरे फंक्शन सेलेक्ट करना है, अच्छा, फजी लॉजिक में कस्टमर को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मशीन रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी लेगी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही धोएगी। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है मशीन में, तो बहुत सिंपल सा कस्टमर को यहाँ पे एक ऑप्शन सिलेक्शन के लिए बटन दिया हुआ है, अलग अलग ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट कर देंगे तो सेम वो ऑप्शन रन करेगा। तो बिल्कुल सिंपल मशीन का यहाँ पे फंक्शन है। दूसरी सेटिंग भी करना चाहें तो हम अदर सेटिंग्स भी कर सकते हैं। मान लीजिए नॉर्मल आपने सेलेक्ट किया, ओके किया, वाटर लेवल में आप चेंजेस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, सोक के टाइम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वॉश का टाइम भी घटा बढ़ा सकते हैं, रिंस को घटा बढ़ा सकते हैं, 2 टाइम 3 टाइम कर सकते हैं, स्पिन का टाइम भी घटा बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट कर देंगे तो जो आपने सेटिंग की है वो सेटिंग यहाँ पे चलती रहेगी। तो या कस्टमर फजी लॉजिक में वॉश कर ले, या सिंपल फंक्शंस के साथ में वॉश कर ले, या चाहे तो अपनी मर्जी से वाटर लेवल, सोकिंग का टाइम, वॉशिंग का टाइम, रिंसिंग, स्पिन, सारा कुछ चेंज कर सकता है। मशीन को जब हम यहाँ से ऑफ करेंगे तो मशीन की मेमोरी में कुछ नहीं जाता है, लेकिन लाइट जाती है तो मशीन की मेमोरी में सब कुछ सेफ रहेगा। आप वॉश नहीं चलाना चाहते, सिर्फ रिंस चलाना चाहते हैं, सिर्फ स्पिन चलाना चाहते हैं, स्पिन का टाइम दे देंगे, स्टार्ट कर देंगे तो मशीन सिर्फ स्पिन चलाएगी। तो बहुत आसानी से हम सारे ऑप्शन इसमें रन कर सकते हैं।